दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इकोनॉमिक्स का आखिर लास्ट उद्देश्य क्या होता है, इसका फोकस केंद्र कौन सा है, कहां कहां पर कौन कौन सी मेन बातों के ऊपर फोकस किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। पार्टिकुलर हम आज सरकार की बात कर लेते हैं, यदि हमारे भारत सरकार की हम बात कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी जनता को लेकर के कौन कौन सी समस्या है। तो सरकार के पास सबसे प्रमुख समस्या ये है अपनी जनता को वस्तु और सेवा अवेलेबल कराना, ठीक है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम जिन वस्तु और सेवाओं की बात कर रहे हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। वस्तुओं के अंतर्गत जैसे कि आपको कपड़ा चाहिए, आपको टीवी चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, ठीक है, ये कुछ वस्तुएं हैं। इसके अलावा कुछ सेवाएं भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, बीमा, बैंकिंग, इंटरनेट, और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता सरकार देती है वो रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर के है, ठीक है। और ये बहुत बार हम सुने भी हैं इसलिए हमें अच्छी तरह से याद हो गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले हमें यही चीज चाहिए। बाकी की चीजें तो ऐसा है कि नहीं भी रहेगा तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इनके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो पहली बात हम देखे हैं कि लोगों को क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले सरकार वो चीज को प्रोवाइड करे, ये उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी नंबर की बात, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भारत आज के टाइम में तेजी से, आज के टाइम में देखेंगे तो पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया सबसे बड़ी। जैसे जैसे भारत विकास करते जा रहा है, जैसे जैसे आपकी जेब में पैसा बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका जो डिमांड है उसका आकार और प्रकार दोनों चेंज होते जाता है। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो जरूरत है ना वो चेंज होते जाती है, ठीक है। आज 10,000 का मोबाइल आप खरीदते थे, पैसा बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है, तो आप क्या काम कर रहे हैं, 15,000 का, 20,000 का मोबाइल ले रहे हैं। यही बात यहाँ पर लागू होती है। अब मान के चलो सरकार कह रही है, सरकार के लिए ये है कि उसको लोगों के लिए वस्तुएं और सेवाएं प्रोवाइड कराना, मान के चलो सरकार ने अवेलेबल करा भी दी है, गरीब लोगों को मकान बना बना कर दे रही है, हॉस्पिटल खोल रही है, स्कूल खोल रही है, ये सारी चीजें यदि गवर्नमेंट कर भी लेती है ना तो लोगों की जो डिमांड है वो दूसरी चीज के लिए बढ़ जाती है। सरकार ने स्कूल बना दी है, अब लोगों को ये लगेगा कि नहीं, स्कूल में टॉयलेट नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, मतलब लोगों की जो आवश्यकताएं है ना वो और भी ज्यादा बढ़ते जाती हैं। और ये जो सीक्वेंस है ना, ये अनवरत रूप से कंटिन्यू ये साइकिल के रूप में चलते रहता है। तो ये तो थी कि कौन कौन सी हमारी जरूरत है, ठीक है, यदि हम विकसित हो रहे हैं तो हमारी जो जरूरतें हैं वो चेंज होने लगती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का जो आकार और प्रकार है वो चेंज होने लग जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कौन कौन से आयाम हैं जिसमें हम चुनौती को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके प्रमुख रूप से दो ही आयाम हैं। पहले नंबर का जो आयाम है वो ये है कि सरकार को तो सबसे पहले उत्पादन करना है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना है, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है। अब वस्तुओं और हमारे पास जो संसाधन है, सरकार के पास जो कच्चा मटेरियल है, संसाधन है, रुपए पैसा है, उसका उसको दोहन करना है, दोहन करने के बाद वस्तुओं का उत्पादन करना है, पहले नंबर की चुनौती ये हो गई। इसके लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उत्पादन के लिए निवेश की हमें जरूरत है। अगली यदि हम चुनौती की बात कर लें तो अगली चुनौती के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे कि हमने उत्पादन कर लिया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका वितरण करना, उसकी मार्केटिंग करना एक प्रमुख समस्या होती है। इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें तो सरकार पैसा लगा सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी आई है वो पैसा लगा सकती है, आप पैसे लगा सकते हैं, मैं पैसा लगा सकता हूं, या फिर प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर के इन्वेस्टमेंट करती है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है।
तो ये तो था हमारा कि अर्थव्यवस्था के सामने, किसी भी देश के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं।